हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़क के किनारे बैठने पर रास्ते का हक अदा करने का हुक्म दिया सहाबा से फरमाया अगर तुम सड़क के किनारे बैठो रास्ते का हक अदा करो क्या है रास्ते कहा फरमाया गुजरने वालों को मत देखो औरतें भी गुजरती है ना बैठो तो बैठो लेकिन इनको उनको मत देखो ये तालीमात थी औरतों से अल्लाह के नबी ने फरमाया सड़क पे निकलो तो किनारे किनारे से जाओ रिवायतों में आता है जब ये हुक्म नबी ने दिया तो औरतें दीवारों से चिमट के चल रही थी उतना हुक्म दिया रास्ते कहा अदा करो रास्ते में कोई नुकसानदेह चीज़ मत डालो किसी का नुकसान ना हो कोई सामान मत रख दो रास्ता मत रोको रास्ता बंद मत करो ये सारी चीज़ें उसी में आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कचरा और तकलीफ़ दे चीज़ें रास्ते में डालने से मना फरमाया यहाँ तक फरमाया कि रास्ते से तकलीफ़ चीज़ का हटाना भी ईमान में दाखिल अब आप देखो रास्ते में तकलीफ़ दह चीज़ें रख देना रास्ता रोक देना ट्रैफिक को मुतािर कर देना इस तरह खड़े हो जाना कि चलने वालों के लिए रुकावट पैदा हो जाए ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सलाम की तलीमत के ख़िलाफ़ है तकलीफ़ देने में आती सब अब क्या हो रहा रबी अव्वल के मौके पर रास्ते रोक दिए जा रहे हैं गलियाँ बंद कर दी जा रही है। ये नबी से इजहार मोहब्बत का तरीक़ा नहीं होता मेरे भाई समझना है हमको बिल्कुल अगर कोई आदमी अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करना चाह रहा उसको रोका नहीं जाएगा रोका नहीं जाएगा मना नहीं किया जाएगा उसको ये बताया जाएगा कि सही तरीक़ा क्या है वो तो मालूम करो